हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हो और ये यहाँ पर नीचे जाने का एरो है, ये ऊपर जाने का एरो है, तो मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ती है, मार्केट एक जगह पर रेंज बाउंड कैसे रहती है और उसके बाद मार्केट में प्राइस नीचे कैसे आती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, जैसे भी मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो आप और मेरे जैसे ट्रेडर या छोटे इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर सकते ये प्राइस बढ़ने में। जैसे कि बड़ी बड़ी बैंक होती है, HNI, FII, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है, उनकी वजह से मार्केट में बड़े मूव आते हैं और उनके ही वजह से मार्केट में गिरावट भी आती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट में एक्शन होती है तो कैसे होती है और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इंडिकेटर शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं या स्मार्ट मनी होता है, ये फंडामेंटल व्यू रखते हैं, बड़ा व्यू रखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे और बर्ड आई व्यू रखकर मार्केट को देखते हैं। समझो, कंसिडर कर लो, ये किसी स्टॉक का चार्ट है, तो उनको जब लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस अब की सिचुएशन को ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो इनिशिएटिव लेते हैं और ये प्राइस यहाँ से बढ़ती है। मतलब कि डिमांड आता है मार्केट में, जब डिमांड बढ़ता है तो मार्केट प्राइस बढ़ती है और एक लेवल आती है कि वहां पर डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड बढ़ जाता है तो मार्केट में मूव आता है और सप्लाई बढ़ जाता है तो मार्केट गिर जाता है, राइट? तो जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एक जगह पर एग्री हो जाते हैं तो ऐसा एक जोन बन जाता है, उसी को हम वैल्यू एरिया बोलते हैं, ठीक है? जब मार्केट ऊपर टच करता है उसको, तो सेलर्स हावी हो जाते हैं और सेलर उसे सेल करते हैं, तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर फिर से कुछ टाइम इसने ट्रेड किया, बायर्स यहाँ पर हावी हो गए और मार्केट ऊपर चला गया, तो ये एक जोन बन गया। हम इसी को साइडवे भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई मैच हो गया, ठीक है? और एक टाइम के बाद मार्केट में सेलर्स को ऐसा लगा कि ये जो प्राइस रेंज है ये इस स्टॉक के लिए सही नहीं है, तो जो बायर्स थे वो मिल गए और सेलर्स भी आ गए और सबने मिलकर इसको बेचा और उसके बाद ये नीचे आ गया। इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ये हमारे जैसे छोटे मोटे प्लेयर बाय करते हैं तो ऊपर नहीं जाता, या फिर किसी कुछ हमारे जैसे कोई भी लोग सेल करते हैं तो भी ये नीचे नहीं जाता। ये एक ग्रुप होता है, ये बैंक होती है, ये FII होता है, HNI होती है, फाइनेंशियल बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, जो साथ में बाय करती है, साथ में सेल करती है। जब ये बाय करती है साथ में, तब सेलर्स बाजू में बैठते हैं और जब सेलिंग की टाइम आता है तब सब मिलकर बेचते हैं, तो इसी वजह से मार्केट में पैटर्न बनते हैं। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको मार्केट कैसा मूव होता है और हम ऐसे इससे कैसे कमा सकते हैं ये समझ में आया होगा। तो हम कैसे कमा सकते हैं, जब हमें ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि बड़े प्लेयर कैसे मार्केट में काम करते हैं, तो हम उनके फुटप्रिंट हम उनको फॉलो करके कमा सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू एरिया एक बार में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक मैचिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। फिर आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो हम स्मार्ट मनी या FII या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका फुटप्रिंट उनको फॉलो करेंगे, वो कैसे सोचते हैं ये फॉलो करेंगे, तब हम सही से एंट्री ले पाएंगे मार्केट में। सो थैंक यू, आप भी उनकी सोच को फॉलो कीजिए, वो कैसे सोचते हैं इस प्रकार से सोचिए, आप भी उस प्रकार से ट्रेड ले पाएंगे और ट्रेडिंग करके कमा पाएंगे। तो ये इट्स नॉट अबाउट इंट्राडे, आप कुछ दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं और इससे कमा सकते हैं। थैंक यू, आई होप आई विल ब्रिंग सेम लाइक दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।